सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और आप सभी का स्वागत है इंडिया के खूबसूरत शहर अहमदाबाद से। यस, मैं अहमदाबाद में हूँ और बालगंज से ब्लॉक की शुरुआत कर रही हूँ। और यहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है, इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है और बादल खूब लगे हुए हैं। दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी नहीं है और यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो रखा है और बादल लगे हुए दो दिन से। और यहाँ पे जीएमडीसी ग्राउंड भी बहुत, मतलब बच्चे लोग सुबह लेके मैच खेलने के लिए आ गए यहाँ पे। इधर वाले जो है पे लाइटिंग है तो यहाँ पे बुकिंग में होता है, उस साइड लोग ऐसे ही फ्री में खेल लेते हैं। और तेजू जा रही है अभी स्कूल, तेजू बाय। और देवर जी जा रहे का नर्मदा का पानी लेने, है नीचे नर्मदा का पानी आता है स्पेशल। मौसम भी कितना सुंदर है और हम जा रहे हैं आज घूमने के लिए, सुबह वॉक करने के लिए। मैं और मेरे सास जी तैयार हो गए, चलिए उदय भी आ गए नर्मदा का पानी लेके। नर्मदा का मेरा मजाक उड़ा रहा है। इसके भाई ने बोला तेरा एसी का टिकट करा देता हूँ आश्रम में। मैंने कहा नहीं, जैसे आए वैसे ही वाला कराओ। ये कह रही तुझे पच नहीं रहा, बोल आदत पड़ गई। सही बात है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। देख ये तो अभी तक विश्वास नहीं, मेरे एक्टिव है मेरे सास तक में विश्वास है, इसको विश्वास नहीं है मेरे पे कि मैं एक्टिव अच्छे से चलाऊंगी। ये कह रहा मैं माँ को छोड़ के आता हूँ, जा मैं वॉक करके आती हूँ। सकल दिखाओ कौन सरमानी नहीं देखते। हम जा रहे हैं गार्डन थोड़ा घूमने, तो मैं और मेरी सास जी। और यहाँ पे सीसी कैमरे भी लगा रखे हैं। एक्टिवा तो वैसे ये वाली लग रही है, पर एक बार फोन करके पूछना पड़ेगा। ये हमारी एक्टिवा है, मैंने फोन करा तो उसने ऊपर से आवाज ही लगाई, ओ रहा इतनी ऊपर। तो ये एक्टिवा हमारी है। साथ जी कह रही बल नजर ही नहीं लग रही, बल ऊपर नजर को गर्दन मोड़ रही है गर्दन। अरे भैया राम राम जी। मैंने कहा कौन बाबा जी आ गए। हम तो परसों आ गए। चलिए हम चलते हैं तब तक। साथ जी कहते यहाँ कोई खुला नहीं होगा, अभी बंद होगा। पर यहाँ देख के देखो कितनी पब्लिक, कितना रस है, बहुत सारे लोग आके। तो हम पहुँच गए यहाँ पे। यस, वस्तापुर लेक अच्छा है वॉक करने के लिए, पर बहुत सुंदर है। और यहाँ पे बच्चों को राइडिंग वगैरह सब करने के लिए भी है, गेम खेलने के लिए। ऊपर से इतना अच्छा लेक, ऊपर से इतना प्यारा सा झरना टाइप का, कितना सुंदर लग रहा है। गुल्लू लाडू छोटे थे तो मेरे पे सबसे पहले साइकिल थी, तो मैं उन्हें साइकिल से बिठा के यहाँ पे लेके आती थी वस्तापुर लेक पर घुमाने के लिए। छोटे थे जब, सैटरडे संडे ऐसे छुट्टी रहती थी तो उनको खूब घुमाती थी मैं सुबह के टाइम पे। और फिर बाद में मेरे पे एक्टिवा ही, तो हम सब एक्टिवा से, मैं मेरे बच्चे आते थे एक्टिवा से। नेगी जी को तो कहाँ छुट्टी मिलती थी, उनको तो बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता था आने का, उनको तो छुट्टी ही नहीं मिलती थी। कल लगना तुम भैया घूम के, कल लगना पहले मैं खूब आंसा घूमना खुण। अब आप कद कड़ान तो जान से दिल्ली बस ये लोग जान इसका सही दयाल दूत का जाना बस तेजू तो लेके आया है। ये वॉक करने के लिए बना रखा है, बहुत सुंदर ही है। बच्चों के लिए भी साथ में, बड़ों के लिए भी वॉक करने के लिए बना रखा है उस साइड में, बड़ों के लिए। यहाँ पे बच्चों के लिए एडवेंचर टाइप का हो जाता है, बच्चे बहुत लटकते थे। गुल्लू तो इसमें पूरा लटक के वहाँ चला जाता था, तब तो कितना छोटा था, तो अच्छे से कर लेता था। तो वीडियो देख रहा होगा, मम्मी कह रहा होगा मम्मी अकेला अकेला गई है और अकेला मजे कर दिए घूमने के, कभी नहीं लेके गई हमें। यहाँ पे है ये हयात होटल और इसके बगल में है अल्फा मॉल। हाँ तकड़े गॉल।
चढ़ती हूँ, सांस करी गिर जाएगी बस उसके ऊपर से। मैंने कहा चढ़ना तो अच्छा है, लटकना बेकार है इसमें। सबल का यार कूदना पुका कूदना खुटल जल छोक लागल बे यार खाली उधर हो जाला ब्रिज। साजी कह रही मैं कुछ नहीं, मैं झूला झूलती हूँ। बड़ी मुश्किल से बैठ पाया अभी। साजी से भी मजा आ रही है झूलना। गुजराती में शायद झूले को हिचको बोलते हैं। हिचको हाँ। बस और तेज कह खुटा उबे नहीं जाए खरा खुटा भैया मुन्ना हो जाए। अब आप ही रुको लो। अभी यहाँ पे खूब एक्सरसाइज हुई, झूला भी झूला। साजी ने मेरी वीडियो बहुत अच्छी बनाई। गुल्लू लाडू कराते ना तो बनाते भी नहीं, नेगी जी और भी नहीं बनाते, वो पै पै करने लग जाते घर। चल इससे अच्छा वीडियो बनाने आई है। और गुल्लू लाडू को मैंने इतना याद कर लिया ना, सच्ची में वो रहते तो वो भी बहुत इंजॉय करते यहाँ पे, बहुत इंजॉय। पर चलो कोई बात नहीं, अगली बार नेक्स्ट टाइम पर हम ज़रूर आएंगे। ध्यान है अरे भाई हम तो गुजरात में, मैंने सोचा पर मैं दिल्ली में हूँ। तो यहाँ पे हवा भी बहुत अच्छी चल रही है और यहाँ पे ना वॉक करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है शहरों में ना। घर पे बैठे बैठे आलस और थकान बहुत आ जाती है घर पे बैठे बैठे, तो वॉक करो तो थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है तो मज़ा आ जाती है। और यहाँ पे ये काम चल रहा है ना तो यहाँ पे बहुत तोड़ फोड़ हो रही है जगह जगह पे। यहाँ पे देखो तुम, बाप रे गिरों के साथ चूहों का बिल देखो कितना सुंदर बना हुआ है। वो अपने बिल में सारा खाना लेके जा रहे हैं पता है। इस साइड भी और गिरियों को तो सब देते हैं दाना, पर यहाँ चूहों को पहली बार देख रही। इधर पोटर भी आ रखे हैं, यहाँ पे न्यूज बना रहे हैं। मुझे भी बोल रहे थे, मैंने कहा नहीं नहीं इतना बोलना कहता है, इसमें ही बोलना मुझे मुश्किल हो जाता है। और उसको उदय को भी जाना है अभी ऑफिस में, और खूब मजा आ गई, थकान भी काफ़ी लगी वॉक करते करते। और यहाँ पे देख सकते हैं न्यूज अभी तक चली हुई है इनकी। यहाँ पे ये धर्म का काम बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे चीनी चावल डालना, तो ये यहाँ पे चीटियों को चीनी डाल रहे हैं अंकल जी। और यहाँ पे लास्ट नज़ारा लेके घर को चलते हैं। खूब मजी आ गई वॉक करते करते, और सूट भी करा और इतनी अच्छी अच्छी हवा। पर गुल्लू लाडू को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, क्योंकि कहीं पे भी हम घूमने जाते हैं तो हम तीनों के तीनों साथ में चलते हैं। चाचा है, तेजू भी वही बोल रही थी, उसको चाचा को मिलना होगा बन। वो चाचा ज़्यादा करता है गुल्लू, चाचा वाला तो बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे एक्टिवा भी खड़ी है, तो चलिए जी चलते हैं घर के लिए। हम भी पहुंच गए घर पे। और तुम तो कल लगे एक्टिव में बैठ के? बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा आएगी ना? मजा आ रहा है। दयाल पहुंच मिल बैठे ही नहीं सकन, पर मैं चल ही नहीं सका, तब भी मैं उधर घूमे घमा के लियो है ना। और हो या दयाल पाद ने होगे लिए तो चलाने के मतलब ऊ से पहले मिल सी ऊ भी देख के सी। तुम दयाल घर बैठे थी ना? उदय के साथ ही जी नहीं बैठे हुए दिल्ली में आदमी छुड़ी भटो भी पहुंच जाना। मैं सीढ़ियों से जाऊँ ठीक 12 मंजिल तक, तो मैं लिफ्ट तीन चक्कर मार दो। 5 मिनट में पहुंचे बोले 5 मिनट कम थी। अच्छा देखे रोटी नीलू मियाँ का कैमरा देखे फर फरिक जान है। नीलू कब तक छुपेली ढोलू मोलू बन। यहाँ पे इन्होंने मेरा टिकट भी कैंसिल करा दिया, और टिकट भी करा दिया था कल का, और जाना था क्योंकि कल ही कराया था आज ही कराया था, और चना से कैंसिल कराना पड़ा कि एक दो दिन रुक जाते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है, बच्चे भी अकेले हैं। वैसे हम खा खू के बैठे हुए हैं, टाइम भी 10 बज गए, और मैं भी नहा धो के बैठी हुई हूँ खाना नाश्ता वास्ता करके। तब तक मैं थोड़ी देर वीडियो एडिट करती हूँ। चलिए हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, साहब जी घर पर ताला लगाना सीख लिए क्योंकि अभी तेजू आएगी ना नीचे, तो तेजू को लेने अचानक से हमें हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, तो हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। और देवर जी ऑटो लेने गए, तो हम यहाँ पे हम जाएंगे ऑटो से और एक्टिवा से। मेरे हाथ से फोन भी गिर गया, टूट भी गया। स्वागतम फोन का। चलिए अभी हम चलते हैं, आराम से चलाना भैया।
गुजरात का हाई कोर्ट 16 है, ये भी है 16 सीवी। पहले लाडू को जब टीका लगता था गुल्लू को, तो मैं यही लेके आती थी हॉस्पिटल में टीका लगाने जब वो छोटे थे, पर गुल्लू ने तो एक बार पूरी हॉस्पिटल इकट्ठा कर दी थी। उस तो जब मालूम उसके चाचों को बुलाना पड़ा वहाँ से कोर्ट में से, हाँ ये उसके चाचों को बोला कि ये आ जा भाई इसको पकड़ने के लिए, तब जाके उसने 5 साल का टीका लगवाया, नहीं तो टीका नहीं लगा रहा था। हॉस्पिटल और उदय गया है एक्टिवा पार्किंग करने, तो काफी बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ पे। कुछ नहीं होने जाते थे हॉस्पिटल में, उसकी भी आ गई ना, हम यहाँ पे आ गए थे 11 बजे। और आप कहाँ से? सप्ताईस, हम उत्तराखंड से, पहाड़ी पहाड़ी। और यहाँ पे देखो कितना, मेरे को इसने जाने नहीं दिया, और जबकि मेरा टिकट भी हो गया था तो इसने मुझे जाने नहीं दिया, शुरू हो गया था खलचल करने में, और फिर टिकट कैंसिल कराना पड़ा, और फिर हम पता नहीं कितने दिन में जाऊँगे अपने।